दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिणी असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित है। इस जगह को जतिंगा वैली के नाम से जाना जाता है। जतिंगा गांव में सितंबर और अक्टूबर के दौरान हर साल बड़े पैमाने पर पक्षी आत्महत्या करते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कृष्ण पक्ष की रातों में जतिंगा वैली में ये अजीबोगरीब हादसे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इन दिनों में यहाँ शाम के समय गहरी धुंध रहती है और साथ ही तेज हवाएं चलती हैं। पक्षियों द्वारा आत्महत्या करने की ये घटनाएं अधिकतर शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच होती हैं। अचानक आसमान से पक्षी कीट पतंगों की तरह गिरते हैं और धरती में मौजूद विभिन्न चीजों से टकरा कर मर जाते हैं या बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिन्हें पकड़ कर ग्रामीण पका कर खा लेते हैं। तो क्या है जतिंगा वैली का रहस्य? पक्षियों के इस तरह से आत्महत्या करने पर या शायद मरने पर वैज्ञानिक अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन इस घटना के असली वजह का पता अभी तक नहीं लग पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आसपास मौजूद पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षियों में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं। इस वैली में पक्षियों की आत्महत्या का रहस्य क्या है, इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों का काम है। चाहे जो भी बात हो, लेकिन अभी भी जतिंगा वैली में हो रही पक्षियों की आत्महत्या दुनिया भर में रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक अध्ययनों और प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि पक्षी आमतौर पर यहाँ की गहरी धुंध या कोहरे से विचलित हो जाते हैं और वह गांव की रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और बधावासी में रोशनी की तरफ उड़ते हैं। रोशनी की तरफ उड़ते समय वह पेड़ों, कटीली झाड़ियों और रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से टकरा जाते हैं, जिसके कारण कुछ पक्षी मर जाते हैं जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि पक्षी केवल गांव के उत्तरी छोर से ही आते हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी पट्टी में ही इन हादसों का शिकार होते हैं। अध्ययनों के दौरान पक्षी गांव के दक्षिणी किनारे में रखी गई रोशनी की तरफ आकर्षित नहीं होते। मरने वाले पक्षियों में किंगफिशर्स, ब्लैक बिटन्स, टाइगर बिटन्स और पॉन्ड हिरोन्स आदि पक्षी शामिल हैं। यदि दूसरे वैज्ञानिकों के अध्ययन पर नजर डालें तो लगता है कि ज्यादातर आत्मघाती पक्षी मानसून के मौसम में अपने प्राकृतिक आवासों को खो देते हैं, इसलिए वे आवास की तलाश में जतिंगा वैली में आते हैं। लेकिन अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार ये पक्षी रात में उड़ते ही क्यों हैं और वे हर साल एक ही स्थान पर क्यों इन हादसों का शिकार होते हैं। कई वैज्ञानिकों का इस पर यह कहना है कि सही तो ये आत्महत्या नहीं है, लेकिन बात भी सच है कि यहाँ पर पक्षी रोशनी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और यह बात पक्षी विज्ञान के लिहाज से बहुत ही अजीब है। भारत के सबसे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी दिवंगत सलीम अली भी इस घटना से चकित थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे अजीब चीज ये है कि पक्षियों की इतनी सारी प्रजातियाँ उस समय उड़ रही होती है जिस समय उन्हें गहरी नींद में होना चाहिए। इस समस्या का विभिन्न कोणों से गहरा वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आत्महत्या की पहली बार ऐसी घटना 1900 के दशक में हुई थी, जिसने गांव वासियों को बुरी तरह डरा दिया था। इसकी वजह से उन्होंने अपनी जमीन जंतियाज को बेची और 1905 में जगह छोड़ दी थी। जब फिर से जंतियाज लोग इस जगह पर बसे तो उन्होंने इसे भगवान द्वारा दिए गया उपहार मान लिया। आखिर हो भी क्यों ना, इस घटना ने गांव को देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया है। दुनिया भर के वन्य जीव विज्ञानी, शोधकर्ता और टूरिस्ट इस घटना का गवाह बनने और खोज करने के लिए यहाँ आते हैं। मानसून के महीनों के दौरान भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। ये पक्षी खाने में स्वादिष्ट होते हैं और लोग इनके विभिन्न व्यंजनों का लुफ्त उठाते हैं। हर साल लोग पक्षियों को आकर्षित करने और उन्हें पकड़ने के लिए घरों की रोशनी और लालटेन आदि का प्रयोग करते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पक्षी आत्महत्या के समय एक त्यौहार भी आयोजित किया जाता है, जिसे जतिंगा महोत्सव कहते हैं। जतिंगा महोत्सव सबसे पहले 2010 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आप में से कितनों को यह तथ्य पहले से पता था, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मजेदार तथ्यों को जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।